Hi friends, Interior Assets by Nihara में आप सबका स्वागत है। I'm super excited for this video because काफी टाइम के बाद हम YouTube के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं एंड YouTube इज लाइक माई होम ग्राउंड। आई डोंट नो, मुझे घर वाली फीलिंग आती है YouTube के वीडियोज में। सो आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एज यू हैव सीन इन द टाइटल एंड द थंबनेल, आज हम इस बेडरूम की बात करने वाले हैं। सो कुछ वक्त पहले वी हैड अपलोडेड अ वीडियो ऑफ दिस बेडरूम। नाउ वी डिजाइन दिस बेडरूम फॉर माई वेरी स्वीट क्यूट कजिन सिस्टर और ये वीडियो काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया था। उसका जो पूरा प्लानिंग था, डिजाइन था, कलर पैलेट, मटेरियल पैलेट, वो काफी लोगों ने उसको बहुत पसंद किया था। आज इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली प्लानिंग की बात करने वाले हैं, एक्चुअल प्लान्स, लेकिन मेजरमेंट सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सो इफ यू आर गोइंग थ्रू अ बेडरूम रेनोवेशन प्रोसेस तो यू विल नो कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या किया जा सकता है। एंड डू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड बिकॉज एंड में विल टॉक अबाउट इसका बजट कितना था, एक्चुअल खर्चा कितना हुआ विद द रियल अमाउंट। सो आपको एक आइडिया आ जाएगी कि फिर पेंटिंग हो, इलेक्ट्रिकल हो, कार्पेंट्री हो, किस चीज में कितना खर्चा होता है। सो आपकी बेडरूम का जो भी प्लानिंग है उसके हिसाब से, स्केल के हिसाब से, बिकॉज यू विल हैव द मेजरमेंट्स ऑफ दिस रूम, यू विल नो इसका खर्चा कितना हुआ है। सो आपके लिए ये एस्टिमेट करना आसान हो जाएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स स्टार्ट विद द प्लानिंग। आईपैड में सीधा घुसते हैं। सो ये जो है, लेट्स पिक अ कलर, आई पिक येलो। सो दिस इज द रूम, ये इस रूम का एंट्रेंस है और इस साइड में विंडो है। अगर मेजरमेंट्स की बात करें तो यू कैन सी एक 9.5x10 फुट की रूम आप कंसिडर कर सकते। सो इसमें जो क्लाइंट ब्रीफ था तो वी वर टोल्ड थ्री थिंग्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक तो इसमें स्टडी एरिया में एक टर्न टेबल जैसा कुछ इनोवेटिव फिटिंग अगर हम एकोमोडेट कर पाए। सेकेंड थिंग, इवन दो दिस वॉज डिजाइन फॉर अ सिंगल पर्सन, माई कजिन सिस्टर, बट कभी उसके कोई फ्रेंड्स आए, रिलेटिव आए, तो एक एक्स्ट्रा बेड की प्रोविजन होनी चाहिए। दैट वॉज अ सेकेंड आइडिया। एंड थर्ड थिंग वॉज इट शुड लुक सिंपल एंड इट शुड बी फंक्शनल। सो दिस ग्रिड इज, ये जो ग्रिड है 2x2 फुट की ग्रिड। सो दिस इज 2 फीट, 4 फीट, 6 फीट, 8 फीट, 10 फीट। सो ऐसे बेडरूम में हम बेड प्लेस करते वक्त इस तरीके से बेड प्लेस करना अवॉइड करेंगे बिकॉज डोर के एग्जैक्टली सामने, सो बेड को कोई भी प्राइवेसी नहीं है। सिमिलरली अगर बेड आपने ऐसे प्लेस किया हो, यहां से प्लेस किया हो, तो भी ये डोर के एग्जैक्टली सामने है। सो जनरली इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन हम कोशिश करते हैं कि ईदर द बेड इज अलोंग दिस वॉल या दिस वॉल। अगर इस पोजिशन में अगर हम बेड प्लेस करते तो ये पोजिशन ओके इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी, उसमें एक एडिशनल डिमेंशन थी कि वो एक्सटेंडेबल एक बेड होना चाहिए। तो दैट मेंट कि ये एक्सटेंड होने के बाद कुछ यहां तक सेकेंड बेड आ जाएगा। सो उसके वजह से ये जो वॉल है, यहां पर वार्डरोब एकोमोडेट करने के लिए जगह बहुत ही कम मिल रही थी, ये वॉल हमारे पास थी। ओके, नाउ यहाँ पे अगर वार्डरोब हम 2 फुट का कंसिडर करेंगे तो वो वार्डरोब यहाँ तक आ रहा था। तो देन बिकॉज ऑफ दिस वार्डरोब या स्टडी जो हम करेंगे, बिकॉज ऑफ दिस ये जो एक बहुत ही, ये जगह काफ़ी एक बहुत ऑड जगह हो रही थी। एंटर करने के बाद हमें लगा ये थोड़ा सा वियर्ड हो जाएगा, मूवमेंट के लिए इनकन्वीनियंट हो जाएगा। सारा फर्नीचर आने के बाद, इवन दो फर्नीचर बहुत ज्यादा नहीं है, रूम काफी भरी हुई लगेगी। सो इसके लिए द सेकेंड ऑप्शन वॉज, ये आपका बेड हो गया, लेट्स यूज ब्लू फॉर द बेड। सो ये आपका बेड हो गया। सो ये जब बेड बंद रहेगा या सिंगल बेड रहेगा और एक्सटेंडेबल बेड आपने बाहर नहीं निकाला है, येलो आपका वार्डरोब हो गया। और स्टडी के लिए लेट्स यूज ग्रीन। इसकी बीच की जो जगह है, ये वाली जगह, ये काफी हमें अच्छी और क्लियर मिल रही थी, विच मेंट कि सारा फर्नीचर आने के बाद भी रूम बहुत छोटी नहीं लगेगी, कॉम्पैक्ट नहीं लगेगी, जो हमारा मेन कंसर्न था। सो जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि सब कुछ फर्नीचर आने के बाद भी रूम खुली होनी चाहिए, वो टिक मार्क हो गया। देन सेकेंड थिंग वॉज, जो टर्न टेबल का आइडिया था कि ये जो टेबल है ये टर्न होके जब इस तरीके से खुलेगा तो इट विल कम अलोंग दिस वॉल। ओके, वी डिसाइडेड कि इतना कुछ पोर्शन होगा वो ओपन होने के बाद, यहां पर आने के बाद, उसके बाद भी रूम काफी खुली रह रही थी। एंड देन ऑफ कोर्स यू विल हैव द चेयर इधर ऑन दिस साइड और यू हैव द चेयर इधर ऑन दिस साइड, बट स्टिल देयर वाज एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस। एंड नाउ द ओनली थिंग वाज, यहां से बेड बाहर आ रहा था। सो ये जो बेड है इसका एक्सटेंशन यहां से बाहर आ रहा था, जो इतना आ रहा था। नाउ हमेशा हम बेड के साइड में एक साइड टेबल एकोमोडेट करते हैं, अगर आपको पानी की बॉटल, कुछ भी, आपको चश्मा वगैरह रखना है, चार्जर, तो उसके लिए एक साइड टेबल यहाँ पे होता है। तो विद द एक्सटेंडेबल बेड ऑब्वियसली ये साइड टेबल पॉसिबल नहीं, बिकॉज दिस वॉल इज एन इंटरनल वॉल और ये जो पूरा एरिया है ये पैसेज है एक्चुअली।
दिस लीड्स टू अनदर बेडरूम. सो वी डिसाइडेड कि यहाँ पर हम एक वॉल में एक निश करके एक ड्रेसर भी एकोमोडेट कर सकते हैं. यहाँ पर वी डिसाइडेड दैट वी विल इनकॉर्पोरेट एक छोटा सा स्टोरेज क्रिएट करेंगे वॉल में, मार्बल पार्टीशन वगैरह करेंगे और वहां पर अच्छा खासा एक स्टोरेज के लिए आपको ड्रेसर के लिए एक सिंगल लेयर ऑफ बॉटल्स के लिए जो भी लगता है उतनी जगह आपको मिलती है. एंड यहाँ पर एग्जैक्टली उसके नीचे वी हैव इनकॉर्पोरेटेड अ साइड टेबल. तो ये साइड टेबल है जो भी एक फोल्डिंग वाला फिटिंग उसके लिए यूज किया है. तो जब आप अकेले सो रहे हो आप यहाँ पर यू कैन कीप योर स्टफ, पर जब कोई और है और आपको बेड एक्सटेंड करना है ये एग्जैक्टली ये एक्चुअली आपका फोल्ड हो जाता है. उसके बाद ये जो बेड है आप ये एक्सटेंड कर सकते हैं. एंड यहाँ पर वी एडेड अ मिरर एंड दिस इज अ फुल हाइट मिरर. उसके साइड में स्टोरेज है सो विच इज वेरी कन्वीनियंट टू यूज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्चुअल प्लान विद द मेजरमेंट. ओके सो जैसे हमने डिस्कस किया था दिस इज द बेड एंड इसमें बेड का डिमेंशन यू कैन सी इट इज 3 feet 4 inches जस्ट बिकॉज पीछे ऑलमोस्ट 2 inch का हेडबोर्ड आया है. ये पूरा हेडबोर्ड है. दिस इज द वार्डरोब जो एक 2 foot 10 का वार्डरोब आपको मिलता है. नाउ ये जो वार्डरोब है इसका ऊपर का जो हिस्सा है डेड स्टोरेज हमने ऊपर तक एंड तक कंटिन्यू किया है. सो वेन इफ यू सी दिस लाइन ये जो है पूरा यहाँ तक ये इसका डेड स्टोरेज है जो वहां से यहाँ तक एक्सटेंड होता है. सो एटलीस्ट ऊपर आपको इनफ स्टोरेज है. जब हम एलिवेशन डिस्कस करेंगे तो आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ दैट. दिस इज द बेड एक्सटेंशन पोर्शन. यू कैन सी 2 feet 6 inches एक्चुअली 3 foot तक ये ओपन हो सकता है. दिस इज द फोल्डिंग टेबल. यू कैन सी लिटिल स्टोरेज कार्व्ड इन द वॉल. तो एज आई मेंशन ये इंटरनल वॉल है तो यहाँ पर यू कैन सी द डिटेलिंग कि पीछे से उसको जब ब्रेक करते हैं तो मार्बल यूज किया है, मार्बल पार्टीशन जिसको प्लास्टर और पीओपी से फिनिश करते हैं तो इट लुक्स लाइक वॉल, इट डजंट स्टैंड आउट. सो 2 foot का फोल्डिंग टेबल एंड मिरर भी जो है दिस इज 2 feet. 2 feet इज मोर देन इनफ, लाइक इट्स अ गुड साइज ऑफ मिरर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरेज विच इज ऑन दिस साइड जिसके लिए आई हैड चोजन ग्रीन. एंड दिस पोर्शन इज द टर्न टेबल जो एक्चुअली इट विल बी ऑन दिस साइड बट इफ यू वॉन्ट इसको आप ओपन करके यू कैन फेस द विंडो एंड यू कैन स्टडी बिकॉज यहाँ पर दिस इज ऑन द 3rd floor और यहाँ पर साइड में सारे विंडो से जो व्यू है विच इज अमेजिंग. सारे विंडो से आपको बहुत सारे ट्रीज है. तो एक हमारी आइडिया थी कि बाहर देखते हुए आप ट्रीज को वगैरह देखते हुए यू कैन स्टडी और यू कैन रीड वॉट एवर दैट यू वॉन्ट टू डू इंस्टेड ऑफ फेसिंग अ वॉल. नाउ लेट्स सी दिस एलिवेशन. ये जो पूरा बेड वाला एलिवेशन है सो एज वी डिस्कस्ड दिस इज द बेड, दिस इज द मैट्रेस. ओके उसके नीचे यू हैव प्रॉपर स्टोरेज पुल आउट बेड. आप यहाँ पे देख सकते हैं देर आर 2 drawers सो दैट स्टोरेज इज देयर. नाउ इसके ऊपर का जो हेडबोर्ड है ये यहाँ तक इतना है बट इन रियलिटी देर वर फ्यू चेंजेस. हेडबोर्ड की जो हाइट थी हमने बाद में भी डिसाइडेड की एक साइड में जो था पहले भी डिसाइडेड उसको आर्मरेस्ट जैसे यूज कर सकते हैं एंड वन साइड कुड बी लिटिल टॉलर बट देन वी डिसाइडेड वी वॉन्टेड इट टू लुक यूनिफॉर्म. सो ये जो हाइट है ये हमने यहाँ तक कर दी. सो दैट्स द साइज. और इसके साइड में एग्जैक्टली यू कैन सी द वार्डरोब बियॉन्ड द पॉइंट. एक पॉइंट के बाद आप देख सकते हैं देर आर ड्रॉवर्स, वी हैव गिवन ड्रॉवर्स एंड देर आर नो हैंडल्स. इसमें सारे ग्रूव्स हमने दिए हैं एंड सारे डिमेंशंस आर देयर. नाउ ये जो एरिया है ये कॉलम का एरिया है एंड आई सेड इसके ऊपर बीम है. सो एक्चुअली दिस पोर्शन दिस इज एक्चुअली अ बीम. इसके ऊपर एक लिफ्ट अप वाला एरिया है एंड जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था ये जो डेड स्टोरेज है ये एंड तक यहां तक कंटिन्यू होता है. तो आपको यहाँ पे भी स्टोरेज मिल गया, यहाँ पे भी स्टोरेज मिल गया. सो देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज एंड बिकॉज एक तो उसको रीडिंग का बहुत शौक था सो वी न्यू कि हमें कहीं पे तो रीडिंग के लिए बुक्स के लिए जगह शेल्स वगैरह ऐड करने थे. इसके लिए भी डिसाइडेड कि हम ये वाला जो पोर्शन है वी विल ऐड दिस नाइस एक रो या एक लाइन ऑफ निशेस हम यहाँ पे ऐड करेंगे जिसमें शी कैन कीप हर बुक्स, उसको जो भी रखना है कुछ आर्टिफैक्ट्स या फ्रेम्स वगैरह भी रख सकते हैं. नाउ इसकी जो डेप्थ है हमने कम रखी है एंड इफ यू सी बेड की जो लेंथ है उतना ही वो पोर्शन. सो ये ऊपर वाला जो मास है आई थिंक बिटवीन दिस एंड द बेड दिस एक्ट्स एज अ नाइस ट्रांजिशन. सो कहीं पर भी क्लोज्ड एरिया और ओपन एरिया उसके बीच में आप एक कुछ तो एक ओपन निशे से ट्रांजिशन के लिए कुछ दोगे ना तो विजुअली इट लुक्स रियली नाइस. इट मेक्स इट लुक वेरी बैलेंस एंड क्योंकि उसकी डेप्थ भी कम है तो इट काइंड ऑफ यू नो वो उसको थोड़ा विजुअली हल्का कर देता है. एंड 3D में आप देख सकते हैं कि हेडबोर्ड के पीछे से हमने दोनों साइड से लाइट दिया हुआ है. सो इन दिस ये जो एरिया है दिस इज एक्चुअली दिस इज द स्टोरेज.
ये जो पोर्शन है ये वो जो लिफ्ट अप वाला साइड टेबल है वो है, ये फिक्स पोर्शन है जहाँ पर एक स्विच बोर्ड है, एंड दिस इज द एंटायर फुल हाइट मिरर, 2 फुट बाय फुल हाइट 7 फुट का मिरर है जिसमें यू कैन सी द विंडो विच इज बिहाइंड। नाउ लेट्स सी द एलिवेशन, इसका जो एलिवेशन है आपका मैट्रेस आ गया, ये नीचे का बेड आपको दिख रहा है, ये जो हेडबोर्ड वाला पोर्शन है, ये जो वार्डरोब के ऊपर का हिस्सा आया था डेड स्टोरेज वो है, ये ओपन निशेस वाला एरिया है, वी जस्ट सॉ द स्टोरेज द फिक्स्ड पोर्शन ऑफ द स्विच बोर्ड, ये फोल्डिंग वाला टेबल है और ये फुल हाइट मिरर है। नाउ लेट्स सी द स्टडी वाला पोर्शन। ओके, नाउ ये स्टडी वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, यहाँ से आपकी एक्चुअली एंट्री है, डोर इस साइड में है, यहाँ पर आपको ये विंडो दिख रही है, उसके बाद ये ब्लाइंड्स है, ब्लाइंड्स वाला एरिया है। नाउ इसमें जो थोड़ा पोर्शन था जिसमें स्टडी था और थोड़े पोर्शन में हमने स्टोरेज प्लान किया था, और उसके बाद ये जो हिस्सा है, नाउ इसमें ये ऊपर वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये जो है ये एक फिक्स्ड टेबल है, और उसके नीचे का ये जो ब्लू पोर्शन देख रहे हो दैट इज द टर्न टेबल जो बाहर आता है, उसके ऊपर के हिस्से को हमने 3 शटर्स में डिवाइड किया है। नाउ ऑल दिस यू कैन ऑब्वियसली कस्टमाइज जो आपको चाहिए वो, यहाँ पर देयर इज अ लेज, यहाँ पर LED लाइट इसके नीचे है, इसके नीचे है, ऑल द स्विच बोर्ड्स एवरीथिंग इज मेंशन। ये जो ओपन एरिया है ये एक्चुअली जो प्रिंटर के लिए प्रिंटर स्टेशन हमें चाहिए था, ये प्रिंटर वाला एरिया है, देयर इज ओपन निश। नाउ ये इस एरिया में आप देख सकते हैं ये जो हमने अभी देखा, और टर्न टेबल खुलने के बाद नाउ यू आर फेसिंग द विंडो, AC यहाँ पर ऑलरेडी लग चुका था, और इसके लिए आप देखोगे कि इसका जो पैनलिंग है वो पैनलिंग इस तरीके से किया है, तो AC एक्चुअली पैनल के ऊपर रेस्ट नहीं कर रहा है, AC बीम के ऊपर फिक्स हुआ है, और ये जो पैनलिंग है बाद में अलग से किया है जो जिप्सम में किया, एंड दिस इज द स्टडी साइड का 3D। नाउ एज डिस्कस लेट्स टॉक अबाउट कि इसमें खर्चा कितना हुआ है। सबसे पहले हम समरी देख लेंगे, तो समरी में यू कैन सी इस साइड में दीज आर द पर्टिकुलर्स, क्या क्या काम किया था, यहाँ पे आप अमाउंट देख सकते हैं, एंड सबसे पहले सिविल वर्क इज अराउंड 10,000, देन द नेक्स्ट आइटम इज कार्पेंट्री वर्क, लेबर प्लस मटेरियल दोनों मिक्स है, तो सारा जो कार्पेंट्री का खर्चा है अराउंड आप पकड़ सकते हैं 1,95,000 के आसपास हो गया है। इलेक्ट्रिकल वर्क बेसिक मटेरियल और वायर्स है 230 के आसपास हो गया। फिर जिप्सम एंड POP वर्क जो अमाउंट इज अराउंड 12,000, पेंट लेबर प्लस मटेरियल एक 10,000 पकड़ लो। क्लाइंट स्कोप क्या क्या है, तो क्लाइंट स्कोप की टोटल कॉस्ट थी, हम बाद में देखेंगे ऊपर वो क्या है, सो दैट इज अराउंड 83,000, और आर्किटेक्ट डिज़ाइन फीस ये 12% फीस है अराउंड 40,000, ग्रैंड टोटल हो गई है 3,74,916, सो 3,75,000 इज द टोटल खर्चा, ये पूरे रूम में जो जो काम किया उस सबका खर्चा 3,75,000 हुआ है। नाउ लेट्स सी क्लाइंट स्कोप में क्या क्या आता है वो सब देख लेते हैं। सो कुछ चीज़ें होती है जो कॉन्ट्रैक्टर स्कोप में होती है, हमारे एस्टिमेट में हमेशा कुछ चीज़ें हम कॉन्ट्रैक्टर स्कोप में रखते हैं और कुछ चीज़ें हम क्लाइंट स्कोप में डालते हैं। तो क्लाइंट स्कोप में ऐसी चीज़ें होती है जो क्लाइंट सिलेक्ट करते हैं वो वाली चीज़ें, फिर फिनिशिंग मटेरियल आ गया वो सारी चीज़ें उसमें होती है, डेकोरेटिव लाइट्स आर्टिफैक्ट्स ऑल ऑफ दैट कम्स इन द क्लाइंट स्कोप। तो इसमें क्लाइंट स्कोप में क्या क्या है, तो टाइल्स तो यहाँ पे 0 है, बट अगर टाइल्स होती तो वो उसमें इंक्लूडेड होता। तो इनसाइड एंड आउटसाइड लैमिनेट क्लाइंट स्कोप में ऐड किया है, लाइट आ गए हैं, फिर LED स्ट्रिप लाइट जो भी हमने डिज़ाइन में देखा ऑल ऑफ दैट, फैन उसमें आ गया है, बिकॉज अगेन इट डिपेंड्स किसको क्या पसंद होता है उसके हिसाब से कॉस्ट बहुत वेरी होती है। हेडबोर्ड का फैब्रिक, मैट्रेस, फिर ब्लाइंड्स, कर्टन्स जो भी है, इन दिस केस कर्टन्स, आर्टिफैक्ट्स एंड फ्रेम्स, आर्टिफैक्ट फ्रेम्स ये सब क्लाइंट स्कोप में आता है। AC द कॉस्ट ऑफ AC प्लस AC का पाइपिंग और ड्रेनेज वो पूरा खर्चा, और जो स्टडी है स्टडी चेयर की जो कॉस्ट है, सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्लाइंट कॉस्ट में आती है, जो इन दिस केस इट इज़ अराउंड 83,000। नाउ इसके ऊपर अगर हम स्क्रोल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर स्कोप जो है उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसका खर्चा कितना हुआ था, तो वो खर्चा हुआ है टोटल 2,50,000। नाउ इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट में जो जो आता है, वील स्टार्ट विद द सिविल वर्क। तो सिविल वर्क में आप देख सकते हैं एक्स एंड वाई, तो वो डिमेंशन आते हैं, उसके बाद एरिया का कॉलम है, फिर यूनिट रेट, तो ये इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें स्क्वायर फीट में है, कुछ रनिंग फीट में है, कुछ लमसम में होती है। तो सिविल वर्क जो है उसकी टोटल आप देख सकते हैं इट इज़ अराउंड 10,000। सिमिलरली कार्पेंट्री की जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट बी, वो आप देख सकते हैं 1,94,000। इलेक्ट्रिकल है, जिप्सम है, पेंटिंग है, सो सारी चीज़ों का जो डिटेल्स और सब कुछ होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो नाउ यू नो हाउ वी अराइव टू द टोटल, जो कॉन्ट्रैक्टर है प्लस क्लाइंट कॉस्ट है, फिर उसकी टोटल कैसे होती है, फिर डिज़ाइन फीस उसमें कैसे ऐड होते हैं।
जनरली इसमें एस्टिमेट जब हम लोग करते हैं तो उसमें कंटिजेंसीज की एक फिगर भी होती है, 10% कंटिजेंसीज हम लोग ऐड करते हैं, बट ये क्योंकि बिल है इसमें कंटिजेंसीज की फिगर है नहीं, दिस इज एक्चुअल खर्चा जो हुआ है वो, बिकॉज मेजरमेंट्स के हिसाब से, स्कोप ऑफ वर्क के हिसाब से, आपके लोकेशन के हिसाब से और जो मटेरियल आप यूज करने वाले उसके क्वालिटी के हिसाब से रेट्स बहुत ज्यादा वेरी हो जाएंगे. आई थिंक द सेम बेडरूम कैन बी डिजाइन इन 2 lakhs ऑल्सो, 3 lakhs ऑल्सो, 5 lakhs, और यू कैन डिजाइन द सेम स्पेस इन 6 lakhs ऑल्सो. इट डिपेंड्स ऑन द मटीरियल्स. आप लैमिनेट के जगह पे वीनियर लगा दो, ड्यूको पेंट कर दो, पूरा जो गेम है वो चेंज हो जाएगा. सो आई थिंक विथ ऑल दीज टूल्स आपको आपके कॉन्ट्रैक्टर या आपके डिजाइनर के साथ मिलकर आप एक अच्छा खासा प्लानिंग भी कर सकते हैं और आपको एस्टिमेट करना भी बहुत आसान हो जाएगा. नाउ ये जो पूरा एस्टिमेशन है इसके ऊपर वी हैव अ न्यू वेबिनार कमिंग अप विच इज शेड्यूल्ड फॉर दिस सैटरडे एंड संडे. एंड बिकॉज वी हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर 15+ ईयर्स और हमें रियलाइज हुआ है कि डिजाइनिंग के साथ ही ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो इंटीरियर डिजाइन के फील्ड में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होती है. फिर वो साइट मैनेजमेंट हो, साइट पे टाइम पे काम होना हो, या मटेरियल्स की डिलीवरी कोऑर्डिनेट करना हो, साइट पे एग्जीक्यूशन में जो सारे चैलेंजेस आते हैं, और उसी के साथ जो एक खर्चा जो एस्टिमेट होता है, बजट होता है, उसको स्टिक करना या उसको टाइमली अपडेट करना या एक्यूरेट एस्टिमेशन जो होता है बहुत ट्रिकी होता है. बट आई थिंक नो वन टॉक्स अबाउट दैट. हम सिर्फ डिजाइन और कलर्स की बात करते हैं. एंड हमने एक्सपीरियंस किया है नॉट जस्ट फॉर फ्रेशर, उनके लिए या जो होम रेनोवेटर्स है उनके लिए भी खुद जो रेनोवेशन का खर्चा होगा उसका एस्टिमेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. इसके लिए वी डिसाइडेड दैट वी वांटेड टू कम अप विद समथिंग विच विल हेल्प यू, एम्पावर यू इन कैलकुलेटिंग वो एक्चुअल खर्चा. सो यस, इट्स गोना बी सुपर एक्साइटिंग. 2 दिन का वेबिनार है और सैटरडे एंड संडे. सो इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट, फर्स्ट कमेंट पिन कर दिए, उसमें जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके यू कैन रजिस्टर, यू कैन फाइंड आउट ऑल द डिटेल. कोई लव्ड वंस या आपके कोई रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है जो एक रेनोवेशन के प्रोसेस में से जा रहे हैं, एंड इफ यू फील दिस वीडियो विल हेल्प देम गेट देयर ड्रीम बेडरूम या हेल्प देम इन अ लिटिल वे टू अचीव दैट ड्रीम बेडरूम, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए. एंड अगर आपने ये वाला कंप्लीटेड बेडरूम वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आप एंड स्क्रीन पे वो वीडियो देख सकते हैं. यू कैन क्लिक ऑन इट एंड वॉच दैट वीडियो. फिलहाल हमारे 2 साइट्स रिसेंटली हमने कंप्लीट हो चुके हैं, हैंडओवर हो चुका है. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू शूटिंग ऑल ऑफ दैट कंटेंट. सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल वीडियोस इस ऑप्शन को जरूर से लिखिए. सो हर वक्त जब हम एक नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और हम हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे. मिलेंगे जल्द ही एक न्यू और एक्साइटिंग वीडियो को लेकर. तब तक के लिए बाय.